दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूल के करीब 40 से 50 बच्चे स्कूल परिसर में ही बेहोश हो गए। ये स्कूल आप देख रहे हैं, रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है तुगलकाबाद में। बताया जा रहा है कि स्कूल में शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास 40 जो बच्चियाँ थी छोटी, जो स्कूल में पढ़ने आई थी, वो अचानक बेहोश हो जाती हैं। जानकारी जो हमें मिल रही है कि इस स्कूल के पीछे तुगलकाबाद वेयर हाउस है, जहाँ पर एक कंटेनर था, उस कंटेनर से गैस लीक हुई और उस गैस लीक होने के कारण स्कूल पहुंचे सुबह बच्चे कई बेहोश हो गए, तो कईयों की आंखें और गले में जलन होने लगा। मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची, फायर डिपार्टमेंट पहुंचा, कैट एम्बुलेंस पहुंची है, बच्चों को नजदीक के अस्पताल जो कि ESI अस्पताल है, बत्रा अस्पताल है, वहां पर पहुंचाया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वेयर हाउस के अंदर जो कंटेनर रखा हुआ था उसके अंदर गैस थी, हालांकि वो कौन सी गैस थी इसको लेकर जांच की जा रही है। ये भी जानकारी मिली है, जो कंटेनर था वो हेमा लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका कंटेनर था, उसके अंदर से गैस लीक हुई। हालांकि कैट्स के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे आना चाहूँगा, आप सुबह से ही यहाँ पर हैं, कितने बच्चों को अभी तक अस्पताल आप लोगों ने पहुँचाया? यहाँ से अराउंड 80 बच्चों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया है अलग अलग गाड़ियों से। इसके अलावा जो छुट्टी कर दी गई थी, तो जो बच्चे घर चले गए हैं वो भी किसी डिस्पेंसरी में पहुंच रहे हैं, या घर से पेरेंट्स जो है कॉल कर रहे हैं तो उनको भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया है, लेकिन 80 यहाँ से हमने शिफ्ट किया है। किस तरीके की परेशानी उन बच्चों को थी? क्या कुछ बेहोश हो गए थे या कईयों की आंखों में जलन, क्या परेशानी सामने आ रही? वही जो आप बातें बता रहे हैं, आंखों में जलन, वोमिटिंग, बेहोशी, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, जिडीनेस, वो ढंग से संभल के चल नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम थी बच्चों को। जैसे कैट्स भी बता रही है कि करीब 80 के आसपास बच्चों को पहुंचाया गया है, जिसमें से कुछ स्कूल थे। हालांकि आपको दिखाना चाहूँगा, स्कूल के आसपास भी रेजिडेंशियल इलाका है, यहाँ पे भी जो लोग रह रहे थे उनके बच्चों को भी परेशानी देखने को मिल रही थी। हालांकि जो बच्चे स्कूल पहुंच गए थे उनके अभिभावकों को भी बोला गया, इन्फॉर्म किया गया, वो भी नज़दीक के जो अस्पताल हैं वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालाँकि गैस कैसे लीक हुई इसको लेकर जाँच की जा रही है। उस गैस को किस तरीके से यहां लाया गया, क्या उसमें कोई गैर कानूनी काम तो नहीं, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिरकार फॉल्ट किसका था। जिस कंपनी का वो कंटेनर बताया जा रहा है उस कंपनी को भी इन्फॉर्म किया गया है, उससे भी तमाम दस्तावेज दिल्ली पुलिस मांग रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से गैस लीक हुई। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। कैमरामैन मनोज के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।